हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। फंक्शंस में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस को किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये फंक्शंस होता क्या है, ये रिलेशन से किस तरीके से रिलेटेड है। आप अक्सर हाँ सुनते होंगे मैपिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मैपिंग। हम लोग फंक्शंस में आज हम लोग देखेंगे कि मैपिंग का मतलब क्या है, जो आप लोग ऑलवेज देखते हैं मैपिंग। ठीक है, ये मैपिंग क्या होता है, बहुत ईजी चीज़ है, नॉट अ वेरी बिग डील। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था, जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो रिलेशंस का जो लास्ट वीडियो था वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाए थे और वहाँ डाले थे, ठीक है, जो कि हमारे सेलेक्टेड थे और वो वेरी बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से रिलेशंस हमारा बनेगा, उस पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आपने वहाँ तक वीडियो अगर देख रखा है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं एंड वी आर गुड टू गो। या फिर अगर आप पहले पढ़ चुके हैं रिलेशंस तक, तो हम लोग ये फंक्शंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है हमारा सेट्स और दूसरा चीज़ है रिलेशंस। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, सेट्स, और दूसरा चीज़ है हमारा रिलेशंस। तो ये दोनों चीज़ अगर मेरा क्लियर है तो हम फंक्शंस वेरी इजीली समझ जाएंगे। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप ये चीज़ पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, या फिर मेरी पिछली वीडियोस जो कि सेट्स और रिलेशंस के ऊपर है उस चीज़ को वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो फंक्शंस जानने के लिए आपको सेट्स और रिलेशंस दोनों पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको फंक्शंस क्लियरली समझ में आएगा। और खैर, इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फंक्शंस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू रिलेशन, रिलेशन कैसे है ये, फंक्शंस इज़ अ रिलेशन बट हाउ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग मैपिंग, जो आगे चलकर आपको सिर्फ मैपिंग ही वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, तो ये मैपिंग क्या है। एंड द थर्ड थिंग इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें यही तीन चीज़ देखना है, हाउ इट इज़ कम्पेयर टू रिलेशंस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मैपिंग, एंड द थर्ड थिंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो पहला चीज़ है वो हम लोग देखते हैं, फंक्शंस as a special kind of relation। okay, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, functions as a special kind of relation। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा functions है, ठीक है, जो हम लोग function बोलते हैं, ये जो function है ये क्या है, actually ये relation है। जो function है, exactly मैंने सही कहा, आपने सही सुना, जो फंक्शन है वो रिलेशन ही है, लेकिन ये कैसा रिलेशन है, विथ सम कंडीशंस। ठीक है, विथ सम कंडीशंस। तो जो ये रिलेशन है, पहले रिलेशन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, तो रिलेशन होता क्या था, ऑलवेज दो सेट के बीच में रिलेशन होता था, जस्ट इन केस जैसे ए एंड बी, तो हम लोग कोई दो सेट लेते थे, एक सेट लेते थे ए और दूसरा सेट लेते थे बी, दोनों में एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनता था उसको वापस से एक सेट के अंदर डालते थे, एंड दैट्स बिकम अ रिलेशन, वो हमारा क्या होता था, रिलेशन होता था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था रिलेशन के सबसेट्स के बारे में, ठीक है, रिलेशंस के सबसेट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये फंक्शन क्या है, तो फंक्शन कहेंगे कि फंक्शन जो है एग्जैक्टली इट इज़ अ सबसेट। ठीक है, फंक्शंस क्या है हमारा, जो फंक्शन है वो है सबसेट, फंक्शन इज अ सबसेट किसका, वापस से रिलेशन का ही। किस तरीके से, क्या कंडीशन लगा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, घबराइए नहीं, हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे ये है क्या। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को एक नज़र देख लें। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, ये एक स्पेशल काइंड है रिलेशन का। तो क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले वापस हम लोग कोई दो सेट ले चुके हैं, एक सेट लिया हमने ए और दूसरा सेट लिया हमने बी, जस्ट इन केस आप कुछ भी सेट इमेजिन कर सकते हैं। सो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, और ये बात भी हम लोग ध्यान रखते हैं, ऑलवेज ऐसा लिखते हैं, आप हमेशा कहीं पर भी जनरल राइटिंग में देखिएगा, इट इज़ ऑलवेज रिटन नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर वो एम्प्टी रहेगा तो उसके बीच में कुछ रिलेशन कराना या फिर उसके बीच से कुछ ऑपरेशन करना या फिर सबसेट निकालना कोई फिर मायने नहीं रख जाता, वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज राइट नॉन एम्प्टी, मतलब उस सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, दैट इज़ वाई। तो ए और बी कैसा है हमारा, नॉन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है, तो अ रिलेशन, वापस से ये क्या हुआ, रिलेशन,
कैसे है रिलेशन, आइए देखते हैं। अ रिलेशन एफ, हमने क्या माना है, उस पार्टिकुलर रिलेशन को हमने स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया है, ठीक है। यानी कि एफ में क्या होगा, एफ भी एक सेट है आपका, ठीक है। कैसा सेट है, जिसके अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ए रिलेशन एफ कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। मैंने आपको एक वर्ड स्टार्टिंग में बोला था मैपिंग, ये मैपिंग का मतलब होता है ना डायरेक्शन, जिस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो वो जो एरो होता है रिएक्टेंट से लेके कहाँ तक जाता है, आपको प्रोडक्ट तक जाता है। तो जो एरो बताता है वो क्या बताता है, द लेफ्ट साइड इज द रिएक्टेंट एंड द राइट साइड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। वो एरो बताता है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर। इन द सेम वे मैपिंग को भी हम लोग एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैपिंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी मैपिंग को हम लोग एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरो होता है ये हमारा बताता है कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट प्लेस पे कौन सा एलिमेंट होगा और सेकंड प्लेस पे कौन सा एलिमेंट होगा। और ये दोनों जो एलिमेंट होंगे फर्स्ट प्लेस और ये जो सेकंड प्लेस पर है, ये किस सेट पर होंगे और ये कौन सा सेट होगा। जस्ट फॉर इंस्टेंस, इफ ए टू बी मैपिंग है तो फर्स्ट पर क्या आएगा ए और सेकंड पर क्या आएगा बी। अगर मैपिंग बी टू ए है तो दिस टाइम इट विल कम एज फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकंड पे। तो डेट्स इट, मैपिंग का मतलब हमारा बस इतना ही है कि वो डायरेक्शन बता रहा है किधर से किधर, ठीक है। और आगे भी डोमेन एंड रेंज में भी इस चीज़ का यूज हो जाएगा। तो मैपिंग बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस नहीं, ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है डायरेक्शन, सेट हमारा किधर से किधर है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे यहाँ पर ए टू बी, ठीक है। अभी क्या हुआ, रिलेशन एफ, एफ को हमने क्या माना है, एक रिलेशन माना है जो कि ए टू बी है। यहीं पर अभी मैपिंग का बात की है, दैट इज ए टू बी तो है रिलेशन, लेकिन कैसा है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऑब्वियस बात है ए क्रॉस बी अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ए क्रॉस बी तो हमारा काफ़ी सारा हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर हम लोग करते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होंगे, ए के जितने एलिमेंट्स फिर बी के उतने एलिमेंट्स के साथ वो क्रॉसपॉन्ड करके और फिर हम लोग ये क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एफ क्या है, एफ इस ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। तो इस कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, तो ये ए टू बी फंक्शन कैसे कहलाएगा, ठीक है। ये आपका डिटेल है, बेसिक डिटेल्स कि कोई फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ है, किस सेट से किस सेट की ओर है, ठीक है। फ्रॉम विच सेट टू विच सेट, तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कब कहलाएगा। तो आइए, पहला कंडीशन क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, ऑलवेज जनरली स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, इसका सबसे पहला मतलब है कि सेट ए, ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेट ए सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड इन द मीन्स एसोसिएटेड होंगे किसके साथ, सेट बी के साथ। मतलब सेट बी के एलिमेंट्स के साथ ये सारे के सारे कनेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ए क्रॉस बी का अगर हम सबसेट का बात करें तो ए क्रॉस बी के सबसेट में क्या होता था, आइए उस चीज़ को देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, देखते हैं आपको और ईजी समझ में आएगा। तो हम लोग इस बात पे देख रहे थे कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर आइए जस्ट सपोज करते हैं ए के अंदर एलिमेंट है हमारा 1 2 3, ठीक है, और मान लेते हैं बी में है हमारा ए बी सी। तो पहला बात, पहला स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, तो देखिए ये जो स्मॉल ए है जो कि इस ए में होना चाहिए, इस सेट के में होना चाहिए, यानी बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे स्टेटमेंट का ही मतलब है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के बारे में बात किया। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 और 3 हैं, ठीक है, हम सारे को देख लिए।
आगे का स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, मतलब इन सारे के लिए कोई ना कोई, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, इट इज व्हाट इट इज एलिमेंट, किसका एलिमेंट, सेट बी का, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए सेट बी का कोई एलिमेंट है, ठीक है। यहां पर ये नहीं कहा कि सेट बी का सारा एलिमेंट्स है, कोई देयर एग्जिस्ट ऑल एलिमेंट्स नहीं लिखा है, बस देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। मतलब सेट ए का तो सारा हम लेंगे, ये एकदम श्योर है कि सेट ए का हम लोग हर एक एलिमेंट लेंगे, लेकिन सेट बी के लिए सारा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स कैन बी टेकन और सम एलिमेंट्स कैन बी टेकन, इट इज नॉट रिटन, ठीक है। तो उसके लिए मत जो डालिए कि नहीं सर सारा होगा या सर सर कुछ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, सब भी हो सकता है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। हर एक के लिए हम लोग क्या लेंगे, क्या हुआ यहां पर कि ए का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड है बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। बी का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड है। ये जो स्टेटमेंट है ये बस इतना ही आपको बताया है कि आप जो भी एलिमेंट लेंगे, मतलब जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा वो उस फंक्शन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने वो ऑर्डर्ड पेयर ले लिया और वो फंक्शन में है ही नहीं। जस्ट इन केस की 3a तो है, 3a सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 3b सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो जो होगा हम लोग उस चीज़ को लेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। बेसिकली बस यही बता रहा है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मान लेते हैं फंक्शन को सेटिस्फाई 3 नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नहीं किया, मतलब सिर्फ 1 और 2 कर रहा है, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, वो सब सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी बेसिकली क्या है उस चीज़ को देखते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, सारा एलिमेंट हम लोग ने लिया ए का, जितना भी एलिमेंट था, किसके लिए, देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, मतलब देर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन बी, मतलब हर एक ए के लिए बी में कोई ना कोई एलिमेंट तो है, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट ये है, यानी कि पहला चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ए का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड है। कनेक्टेड से आप लोग को डायरेक्ट वेन डायग्राम का याद आ जाना चाहिए, ये जो हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते थे, ए का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड है, हो सकता है ये इस तरीके से कनेक्टेड हो, ठीक है, भले ही इसका एक छूट जाए, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं बॉक्स है, 3 एलिमेंट है, 3 बॉक्स मैंने बना दिया और यहाँ पर भी ये 3 बॉक्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कनेक्टेड है, ए का सारा कनेक्टेड है, लेकिन बी का एक छूटा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज कनेक्टेड। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को कह रहा था ना कि सेट्स और रिलेशंस आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ये फंक्शन समझने में बहुत ईजी होगा, इसलिए जरूर से जरूर सेट्स पढ़ लें और रिलेशंस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो ये फंक्शंस मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, इजी है। चलिए खैर, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, पहला कंडीशन क्या था। अब आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन को, तो हमारा जो सेकंड कंडीशन उसको देख लें। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी। ये थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है, कैसे इंटरेस्टिंग हो जाता है, आप इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो कि फंक्शन में है, ठीक है, और एक ऑर्डर्ड पेयर है ए सी वो भी फंक्शन में है। कहने का मतलब है कि यहां पर आप दोनों ऑर्डर्ड पेयर में आपको डिफरेंस सिर्फ इतना दिख रहा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट इज सेम बट द सेकेंड इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो सेम है, दैट इज ए, लेकिन जो सेकंड प्लेस वाला यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। इसमें क्या इंप्लाइज किया कि बी इज इक्वल्स टू सी, ये स्टेटमेंट सही तब होगा जब दोनों का दोनों एलिमेंट इक्वल होगा। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो सेकंड एलिमेंट डिफर करेगा लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट एलिमेंट को भी डिफर करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो सेकंड एलिमेंट भी सेम होगा। इसका मतलब कि ए का सारा एलिमेंट तो भैया कनेक्टेड होगा, ए का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा कनेक्टेड होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। साथ ही साथ हर एक सिर्फ एक से कनेक्टेड होगा, ठीक है, कोई भी एक दो से कनेक्टेड नहीं हो सकता है,
यानी कि सेट ए का जितना एलिमेंट होगा सबके पास सिर्फ एक ही इमेज होगा, ठीक है। इसको हम लोग इमेज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज, दैट ए इज अ इमेज ऑफ वन इफ वन इज कनेक्टेड टू ए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एफ है और एफ में हम लोग अगर लिख रहे हैं वन कॉमा ए, तो ए इज द इमेज ऑफ ए एंड वन इज द प्री इमेज ऑफ ए। ये इमेज और प्री इमेज के बाद भी मैंने रिलेशन से बताया था, उस वीडियोज को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खैर, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि इसका हर एक कनेक्टेड, ठीक है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा हर एक के पास यूनिक इमेज। यानी कि इसको अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, तो हम लोग लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज, यानी कि वन जो है कनेक्टेड होगा, ठीक है, टू है कनेक्टेड होगा, थ्री है वो भी कनेक्टेड होगा किसी ना किसी के साथ 100%। लेकिन वन किसी दो के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, टू किसी दो के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, थ्री किसी दो के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, थ्री ऑलवेज एंड ऑलवेज एक ही के साथ कनेक्टेड होगा। इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं, जैसे कि F, ठीक है, F के अंदर अगर हम लोग लिख रहे हैं 1A, 1B, ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, F को क्या लिखा मैंने 1A, 1B, लेट अस बी F1, इसको F2 कर लेते हैं, F2 क्या है 1A, 2A, 3A, एक F3 बना लेते हैं, F3 में क्या है 1A, 1B, 2C, 3B, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन आपके एक एग्जांपल्स दिए हैं, आप तीनों को थोड़ा गौर से देखिए। पहला क्या बोलता है, क्या पहले इस फंक्शन में हमारा क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, बोल रहा है पहला फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी भैया सबका, ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए बी के एलिमेंट से। तो ए का सारा एलिमेंट्स कौन कौन सा है, वन टू थ्री सारा है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ वन ही आया, टू और थ्री आया ही नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है, पहला कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ इसमें। सेकेंड वाले फंक्शन पे आते हैं, सेकेंड वाले फंक्शन में क्या है, पहला एलिमेंट क्या है वन कनेक्टेड वन ए के साथ, टू सेकेंड ए के साथ। यहाँ ये मत देखिए कि रिपीट हो गया, पहला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इसका सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए या नहीं, वो देखते हैं, वन कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड है, थ्री कनेक्टेड है, ठीक है, भले ही सब एक से कनेक्टेड है लेकिन वो किसका एक है, बी का एक है, तो अभी तक तो फुलफिल है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, यानी कि वन के पास भी इमेज है, टू के पास भी इमेज है, थ्री के पास भी इमेज है, हर एक के पास अपना अपना इमेज है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए बी एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, देन बी इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बताया क्या कि हर एक के पास यूनिक इमेज होना चाहिए, हर एक के पास यूनिक इमेज अगर हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे वन के पास देखिए, क्या वन के पास एक इमेज है या एक से ज़्यादा है, तो वन के पास एक है, दैट इज ए, चल जाएगा काम। टू, टू के पास एक है या एक से ज़्यादा है, टू के पास ए, एक ही है, चल जाएगा काम। थ्री के पास एक है या एक से ज़्यादा है, एक ही है, दैट इज ए, चल जाएगा काम। यानी ये भी चीज़ होगा। इस चीज़ पे हम फिर से आएंगे लास्ट में एक बार, बहुत लोगों को इस पर भी कन्फ्यूज़न होता है। एफ थ्री देखिए, अब एफ थ्री में क्या है कि पहला चीज़, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर इज एक्स बी बिलोंग्स टू बी, पहला का बात तो एकदम सिंपल है, सब कनेक्टेड होना चाहिए, वन टू थ्री सब कनेक्टेड होना चाहिए, वन देखिए कनेक्टेड है, ठीक है, भले ही दो बार कनेक्टेड है लेकिन कनेक्टेड तो है, टू देखिए टू भी कनेक्टेड है, थ्री थ्री भी कनेक्टेड है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इज वेरी इजिली फुलफिल्ड, सारा कनेक्टेड है। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड क्या बोलता है कि फर्स्ट तो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फर्स्ट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए। देखिए बी और सी को इक्वल बता दिया यहाँ पर, यानी कि जो चीज़ ये है वही चीज़ ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये फुलफिल नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, टू के पास तो यूनिक इमेज है, थ्री के पास भी यूनिक इमेज है, लेकिन इस वन के पास देखिए, यहाँ पर वन तो ए से भी कनेक्टेड है और वन बी से भी कनेक्टेड, यानी कि वन हैज़ ए एंड बी बोथ, लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया कि हर एक के पास यूनिक होना चाहिए, यानी कि ये फुलफिल नहीं कर रहा, सेकंड स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, यानी कि ये एक
फंक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड पे मैंने बोला था, सेकंड पे आऊंगा, तो सेकंड में क्या बोला एकदम इजीली, पहला कंडीशन अगर हम लोग देखें, फर्स्ट कंडीशन बोल क्या रहा है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज। अगर ए टू बी अगर मैपिंग है तो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि ए के हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई इमेज होगा जो कि बी में होगा, ठीक है, यानी ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड। और सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, वापस से ये वही ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। बस इसी स्टेटमेंट को ना आपको दो तरीकों से, है एक्चुअली एक ही स्टेटमेंट बट जनरली इसको दो तरीकों से दिखाया गया है, ठीक है, कि ए के लिए उसमें होगा, बी के लिए हर एक होना चाहिए, ए और बी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर ये सिंपल एक ही स्टेटमेंट लिख देना कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन बी, तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। और पहला तो है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी। इसमें देखिए हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई बी में इमेज है, वन का कोई इमेज है बी में, हाँ ए है, टू का कोई इमेज है बी में, हाँ है ए है, जो कि थ्री का कोई इमेज है सेट बी में, हाँ है ए है, ठीक है। तो पहला तो कंडीशन फुलफिल्ड है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। इसको हम लोग दो टिक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकेंड कंडीशन के लिए देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। तो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3, हर एक का एक एक एलिमेंट होना चाहिए, हर एक का एक एक इमेज होना चाहिए बी में। तो वन का तो एक ही इमेज है बी में, ठीक है, टू का भी एक ही इमेज है बी में, और थ्री का भी एक ही इमेज है बी में, हर एक का किसी का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और लेते हैं एग्जाम्पल जो कि सेट होगा, जैसे सपोज करते हैं F4, इसको बना दें 1B 2A 3C। इस केस में भी ये एक है, इसमें इसका दोनों कनेक्ट है, इस केस में भी ये एक है, क्या होगा फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी। देखिए 1, 2, 3 हर एक का अपना अपना इमेज है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज, वन के पास भी एक ही है, किसी और से कनेक्टेड नहीं है वन, टू के पास भी एक ही है, थ्री के पास भी एक ही है, ठीक है, यानी कि इस पर फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल, सेकेंड कंडीशन भी। तो बेसिकली फंक्शन जो है हमारा इज़ अ वेरी इजी थिंग, बट आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। हुआ बनाइएगा तो नहीं काम चलेगा, दिक्कत ही होगा। तो खैर यही चीज़ था हमारा फंक्शंस। तो आगे इस चीज़ में हम लोग और एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से क्या है इस चीज़ का एग्जांपल्स। तो अभी हम लोग ने जो दिया था, सॉरी जो लिया था वो क्या था, सेट ए था जिसके एलिमेंट्स थे, वन टू थ्री, ठीक है, और दूसरा सेट बी था जिसके एलिमेंट्स थे ए बी सी, ठीक है। तो ये था हमारा दो सेट जिनके दो एलिमेंट्स थे, इनको जरा वेन डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से अगर लिखेंगे बेसिकली तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, और इसको अगर वेन डायग्राम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। तो जो फंक्शन है, अब देखिए मैपिंग, मैपिंग में हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, आपको पता है ये जो रिलेशन हो रहा है ये ए टू बी हो रहा है, बेसिकली ए क्रॉस बी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है सारा, तो ये इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो है हमारा ए टू बी, इसी को बोलते हैं मैपिंग, ठीक है, ए टू बी। अब इस पार्टिकुलर ए टू बी मैपिंग, इस पार्टिकुलर ए टू बी जो रिलेशन हो रहा है, इसका कोई पार्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने एफ लिया था, उस चीज़ को लिखने के लिए हम लोग इसके आगे उसका नाम देते हैं। तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है, आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा, ओ इट इज़ अ फंक्शन जिसका नाम क्या है, एफ, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इज मैप्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन में क्या दिया था, इसी में हम लोग ढेर सारा माना था, f1, f2, f3, f4 जो भी इसी के ढेर सारे टाइप्स थे, कुछ उसमें फंक्शंस हुए थे और कुछ उसमें फंक्शंस नहीं हुए थे। अब fa2b को अगर हम लोग डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? अभी मैं एक फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में इसमें मैंने नॉन फंक्शंस भी ले लूँगा, दिखाऊंगा भी जो फंक्शंस नहीं है वो भी। पहले जो फंक्शन है उसका एग्जांपल देखिए। तो ये सेट मान लिया ए है और ये है सेट बी, और मैपिंग के लिए हम लोग ये डायरेक्शन दे देते हैं, ये डायरेक्शन बताता है और इसका नाम क्या है, एफ। तो एफ जो है सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है। सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, और सेट बी का एलिमेंट क्या है, ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से ये डिफाइंड होता है। अब इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे कि 1 जो है वो बी से कनेक्टेड हो, 2 जो है वो ए से कनेक्टेड हो, और जो 3 है वो भी बी से कनेक्टेड हो। तो ये भी एक फंक्शन होगा, देखिए सारे का सारा कनेक्टेड, एवरी वन इज़ कनेक्टेड, 1, 2, 3 हर एक के पास एक इमेज है, 1 के पास एक इमेज, 2 के पास एक इमेज, 3 के पास भी एक ही इमेज, ठीक है, और हर एक के पास यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब कि हर एक के पास एक एक इमेज है, 1 के पास एक इमेज है बी, 2 के पास एक इमेज है ए, 3 के पास एक इमेज है बी, ठीक है। कितना प्री इमेज है उससे मतलब नहीं है, हम लोग प्री इमेज को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग इमेज को कंसीडर करते हैं कि ए के एलिमेंट्स के पास कितना कितना इमेज है, ठीक है। अगर एक ही इमेज है वेल गुड, ये होगा, और साथ ही साथ हर एक के पास होना चाहिए, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एक और वेन डायग्राम बनाए इसी तरीके से, जो सपोज ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन f1 मान लेते हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, इसके एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया 1 को सी से, ठीक है, और फिर हमने कनेक्ट कर दिया 1 को बी से, और 2 को बी से कर दिया, और 3 को ए से कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 के पास तो एक ही इमेज है, 3 के पास भी एक ही इमेज है, लेकिन इस 1 के पास दो इमेज हो गया, डैट इज़ बी और सी। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 के पास बी भी है और 1 के पास सी भी है, ठीक है। बी और सी इक्वल भी नहीं है, अगर बी और सी इक्वल रहता तो काम चल जाता, लेकिन बी और सी दे आर टू डिफरेंट एलिमेंट, तो इस केस में ये एक फंक्शन नहीं होगा और इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ वेन डायग्राम, वेरी इजी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में दे दूंगा सजेशंस जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ की होगी, और प्रीवियस वीडियोज़ जो कि आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।